आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग का पुष्पिका देखेंगे। सभी एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। पहला चरण ओम तत्, त पूरा है और एक त आधा है। ओम त पूरा आधा त तत्, स पूरा सदिति। जो अक्षर पूरा होता है उसमें आपको अ मिक्स करना होता है। पुष्पिका बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये सारी लाइन सेम रहने वाली है, सिर्फ ये नाम चेंज होता है और यहाँ पर अध्याय की संख्या चेंज होती है। उसके अलावा हर अध्याय के बाद आपको पुष्पिका पढ़नी है, तो इसीलिए एक बार अगर पुष्पिका हमने सही से पढ़ ली तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वापस देखते हैं एक बार। ओम तत्, त पूरा और एक है आधा त, तत्, स पूरा, स में अमिक्स किया, सदिति। ओम तत् सदिति। श्री, श्री की मात्रा बड़ी है, आपको इसको श्री, म पूरा और द के नीचे हलंत, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा, मद, श्री मद, श्री मद। भ पूरा, ग पूरा, भग। कई बार हम इसको भगवत बोलते हैं, भ पूरा आना चाहिए, यानी भ में भी अ मिक्स आना चाहिए। भ, ग, व पूरा और द आधा, इसके आधे को पूरे के साथ पढ़ा, वद, भगवत, भगवत। गीता, गीता। मात्रा का विशेष ध्यान, आधा अक्षर पूरे के साथ, जब भी पूरा अक्षर है तो उसमें अ मिक्स करना। पहले बात, पहली लाइन वापस पढ़ते हैं। ओम तत् सदिति श्रीमद्, श्रीमद् भगवद् गीता। आगे सु, मात्रा बड़ी, लंबा खींचेंगे, सु, प पूरा, प में अ मिक्स करेंगे, सुप, सुप। नी, श, और श के बाद है आधा त, निशत सु, निशत सु, निशत सु। ब्र, ब्र यानी ब के अंदर र की मात्रा है ये, ब्र। आप यहां पर ध्यान दें, ये ह आधा है। कैसे पता? ह के अंदर जब यहाँ पर मुड़ाव होता है तो वो ह पूरा होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ह देखिए, ह के नीचे कभी भी हलंत नहीं आता है। ह आधा और पूरा आप खुद को पहचानना है। ह ये आधा है जिसमें अंदर मुड़ाव नहीं है, और अंदर मुड़ाव होता है तो वो ह पूरा होता है। ब्रह्म, ह आधा है, म पूरा है, ह आधे को इसके साथ पढ़ा, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म। वी आधा द, विद या, फिर ये है अनुस्वार। शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है तो इसको पढ़ेंगे आधाम, विद याम, विद याम। सेकेंड लाइन वापस। सुप निशत सु, ब्रह्म विद याम। थर्ड लाइन देखते हैं, ये चरण नहीं है, ये एक ही लाइन है, इसको लिखा अलग अलग करके चार लाइन में। योग, योग, ग पूरे, ग में अमिक्स किया, योग, शा, आधा स। इस शब्द को हमको बहुत अच्छे से उच्चारण करना, पहले शा है और फिर आधा स, शास, शास्त्रे, शास्त्रे। वापस श्री, जैसे वहां बड़ा खींचा, लंबा खींचना है, वैसे इसको श्री, क्री, क के नीचे री की मात्रा, री से ऋषि की, क्री, आधा श, कृष्णा, आधा र, कृष्णार, कृष्णार। जुन, कई लोग यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, इसीलिए इसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग लिखा है, कृष्णार जुन, कृष्णार जुन। न पूरा है,
यहाँ पर न भी कई लोगों का पूरा नहीं होता है, जुन। स फिर है आधा न, संवादे संवादे, ये न की बिंदी है क्योंकि शब्द में पहले वाले अक्षर पर है इसलिए इसको आधा न पढ़ेंगे, संवादे। थर्ड लाइन वापस, योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, मात्रा ध्यान रखिए छोटी है, लंबा नहीं पूछेंगे। चौथी लाइन, द पर आई की मात्रा है, इसको बोलेंगे दई दई, दही नहीं बोल रही हूं मैं, ई बोल रही हूं, द ई दई। वा सुर, सु मात्रा छोटी, र पूरा, दई वा सुर दई वा सुर। वैसे ये नाम आपको याद हो गया होगा क्योंकि हम हर श्लोक में इस नाम को बोल रहे थे। स पूरा आधा म, सम। प पूरा आधा द, संपद संपद। दैवा सुर संपद विभाग, ग पूरा है, ग में अमिक्स किया, विभाग। योगो नाम, इस चीज को भी कई लोग नाम पढ़ते हैं, म पूरा है। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, हर अक्षर में आपको जब भी पूरा है तो उसमें अ मिक्स करना है। नाम षोडशो षोडशो, ये क्या गया अवग्रह, शो को लंबा खींचे, षोडशो ध्यायः षोडशो ध्यायः, य पूरा है लास्ट में, ध्यायः विसर्ग है। वापस चौथी लाइन, दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्यायः। अब हम पूरी पुष्पिका पढ़ेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्यायः। एक बार वापस, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्यायः। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हर अध्याय के बाद ये लाइन बोलना ना भूलू। नारायण नारायण।